हर इंसान के काम करने की कैपेसिटी ना अलग अलग होती है। हम तुलनात्मक रूप में आ जाते हैं, अपने बच्चों की भी तुलना दूसरे के बच्चों से करने लगते हैं, हम खुद की तुलना किसी और से करने लगते हैं, वो इतना कर रही हैं तो मैं इतना क्यों नहीं कर पा रही हूँ। आप जो कर रही हैं बिल्कुल सही कर रही हैं। छोटे वाले कमरे मेरे कमरे में है, जाके देखो बनाना वहाँ सो रहे होंगे बेड पे। घर के काम के साथ साथ गार्डनिंग में करती हूँ, वो इसलिए क्योंकि गार्डनिंग मेरा पैशन है, मेरा शौक है, इसलिए उसे पूरा करने के लिए करती हूँ। और इससे फ़ायदे भी ये हैं कि मेरा टेंशन जो है वो बिल्कुल, मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ। और इसके साथ साथ हरियाली और ऑक्सीजन थोड़ा सा भी, जितना भी मैं कंट्रीब्यूट कर पाती हूँ अपने नेचर अपनी प्रकृति के लिए, उतना मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ। क्यों ये सब संभव है, वो इसलिए है कि ये सब कुछ अब मेरे अंदर है, मुझे शौक है ये सब कुछ करने का, सफाई करने का, सजाने का, घर का। हर इंसान का अलग अलग शौक होता है, मैंने शुरू में ये बात कही कि हर इंसान अपनी कैपेसिटी के अनुसार काम करता ही करता है। इसी तरह से मैंने देखा है कि बहुत सारे घरों में बच्चों की तुलना दूसरे घर के बच्चों के साथ की जाती है, रिलेटिव्स के बच्चों के साथ की जाने लगती है। फिर वो बच्चे, जैसे ही वो रिलेटिव्स के बच्चे या उनके दोस्त या कोई भी घर में आता है, तो बच्चे उनसे छिपना शुरू कर देते हैं, उनसे मिलना, उनके साथ बैठना छोड़ देते हैं। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, यही आगे चलते 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 फिर हमारे लिए परेशानी का कारण बनती हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमने तो सही किया था, पर नहीं, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने की होती हैं। हर इंसान का अपना अपना सोचना है, मैं ऐसा सोचती हूँ। और मैं कभी भी अपने बच्चों की तुलना कभी किसी से ना करती हूँ, और ना मैं चाहती हूँ कि जो मेरे सराउंडिंग में लोग हैं वो इस तरह की तुलना करें। बहुत सुंदर। मेरी अनवी रात को सोने से पहले ब्रश करके सोती है ना अनवी? इधर आ जाओ, इधर आके करो, अब चेहरा भी तो देखू ना आपका, देखे ना? हाँ देखो, सोने से पहले ब्रश करेगा मेरा बुच्चू, देखो इसमें ए ब्रश कर रहा है, ठीक है ना? चलो अब ब्रश करके आ जाओ, टंग क्लीन करो, ब्रश करके आ जाओ। ये कौन सा ब्रश है आपका? इलेक्ट्रिक टूथब्रश। ओके, ओरल इलेक्ट्रिक टूथब्रश। रात को 11 बजने प्लूटो, सो जा, सोने दे। रात को फिर इसको भूत चिपड़ गया। हिलने का नाम ही नहीं ले रहा बदमाश कहीं का। सोने से पहले अनवी ड्रिंक कर रही है पानी, वाटर। सोने से पहले अनवी टीवी वॉच कर रही है, देखो, और खेल रही है। रात को 11 बज रहे हैं, नवेली सो गई है, लेकिन अनवी और प्लूटो नानी को तंग कर रहे हैं और खेल रहे हैं। अभी एक लाइट लैंप जला हुआ है ना, इतनी रोशनी बहुत है। चलो अब सोते हैं हम लोग, ठीक है? गुड नाइट बोल दो सबको, बोलो गुड नाइट फ्रेंड्स, इधर देख के बोल दो। सोने से पहले अनवी प्लूटो के साथ खेल रही है, देखे भाई दोस्तों। Look, कितना टाइम हो रहा, दिखाओ। It's 11 o'clock. ओ, अच्छा। चलो अब बनाना को बोलो, बनाना चलो, वी आर रेडी। देखो ये पीछे पीछे चला। छोटे वाले कमरे मेरे कमरे में है, जाके देखो बनाना वहां सो रहे होंगे बेड पे। कितना टाइम हुआ अनवी? 11:12 हो गया। ओके, टाइम देख रही है। हाँ, जाने से पहले अनवी टाइम देख रही है और पीठ घुमा के खड़ी हो गई है, तो इधर घूमेगी तब तो टाइम मुझे इसमें रिकॉर्ड करूंगी। हाँ, अब जाने से पहले अनवी टाइम देख रही है। कितना टाइम हो रहा है अनवी? 11:12 हो रहा है। और कर्टन ठीक कर दो, वो देखो कर्टन ऊपर से ठीक कर दो, इधर से खींच दो। हाँ,
इधर से, हाँ ये, यस देखो कितना अच्छा मेरा बच्चा है। पापा को लव किया ना, किसी किया ना पापा को, ए चलो एक्चुअली हम वोटिंग करने के लिए जा रहे थे तो अनवी को अकेले छोड़ नहीं सकते थे तो हम उसको लेके गए। सुबह सुबह का वक्त था तो मैंने कहा दे के आ जाते हैं, ज़्यादा गर्मी है नहीं। तो वो मेरे को कह रही थी कि आप मेरे साथ गाड़ी में ही बैठना। तो हम लोगों ने जाने के बाद वोट ऐसे ही किया कि पहले दो आदमी वोट दिया, एक आदमी इसके साथ गाड़ी में बैठा रहा और फिर कमल बाद में गए, बाद में जाके वो वोट दे के आए, फिर हम दोनों मैं और नवेली गाड़ी में आके इसके साथ बैठ गए थे। आने के बाद थोड़ी देर खेलने कूदने के बाद फिर ये शाम की पढ़ाई चल रही थी मम्मी के साथ में, क्योंकि आज शनिवार था ना, तो शनिवार को और संडे को दो दिन छुट्टी मिल होती है नवेली की, तो सैटरडे और संडे पूरा टाइम ये देती है इसको। और मंजू आई थी तो मैंगो लेके आई थी तो इसको मैंने बहुत काट के दिया, मैंने कहा चलो दूध के साथ में मैंगो खा लो, पर उसको पसंद नहीं आ रहा था, नहीं मुझे नहीं खाना नहीं खाना है, तो खैर अभी ये रखा हुआ था। अब साथ में काम चल ही रहा था, कुछ सुबह के रिकॉर्डिंग थी, कुछ शाम की रिकॉर्डिंग थी, अब सोने से के बाद उठे, सुबह उठने के बाद फिर से, अब ये एक एक दिन दो दो दिन आगे आगे बढ़ता ही चला जाता है। तो शीशा, तो ये डोर जो आप देख रहे हैं ना, इसमें डोर में कल शीशा आके नसीम भाई लगा गए थे, और अब कपड़े उपड़े धोने का समय हो गया था, सुबह होते ही बस यही सब तो काम है चल रहा है। और इतनी गर्मी पड़ रही है कि कहीं भी लेके बच्चों को जाने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है, इसलिए मैं बहुत कम, आप सबने देखा है इतने सालों से कि बहुत कम आना जाना मेरा है, मार्केट वगैरह में भी नहीं जाती हूँ, मैं घर के कामों में ही लगी रहती हूँ। तो बस ये अभी सुबह सुबह फिर अब नेक्स्ट डे हो गया था, घर के काम में अपना मैं लगी हुई हूँ, और सुबह के कपड़े उपड़े धोने के लिए मैंने कहा कि लगा देती हूँ, उसके बाद फिर मुझे शार लेना था। तो बस यही सारा काम चलता रहता है, यही आजकल रूटीन, इतनी गर्मी में आदमी क्या करेगा, घर के जो रूटीन का काम है वही निपटाते निपटाते कब हो जाता है। वैसे तो काम सुबह का 10-11 बजे तक निकल ही जाता है, उसके बाद तो कोई काम होता नहीं है, पर दिन भर जो है आपको घर के अंदर रहना और घर में मेंटेन किए रहना, थोड़ा मोड़ा कोई काम जो है बाहर का अभी भी चल रहा है, और एक दो दिन में वो काम भी सारा ख़त्म हो जाएगा। सारे शीशे वगैरह कहीं के टूटे हुए थे, तो जब मैं करवा रही थी तो मैंने कहा कि चलो ये भी करवा ही लेती हूँ, एसी वगैरह क्लीन कराना था, तो वो सब कुछ कराते कराते जो है एक एक दिन निकल रहे हैं, पर सारा काम हर रोज़ का मेरा कुछ ना कुछ होता ही जा रहा है, और अच्छे से मैं कर पा रही हूँ मेंटली, बिल्कुल अपने आप को कूल रख करके। ये देखिए अब ये वाला एसी लगना था छोटे वाले कमरे में, जो मैंने आप सबको बताया था, ये शीशा चेंज करा के ये ऊपर की तरफ एसी लगा दिया, अब ऊपर कर्टन लगाना होगा मुझे और नीचे से भी कर्टन लगाना होगा ताकि गर्मी ना है। ये दक्षिण दिशा वाला पोर्शन है, बहुत धूप आती थी इसमें, अब जा करके एसी लग गया है तो थोड़ा कूल कूल रहता है। शावर ले लिया था लेकिन मैं ये साफ कराने के लिए आगे, मैंने कहा कि गाड़ी साफ करा देती हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा गंदी हुई है। तो बस देखे, चलिए गाड़ी की सफाई की शुरुआत की है मैंने शमशाद मियाँ के साथ लग करके, ये पूरी गाड़ी आज लगे हुए है धोने के लिए, तो एक एक काम था तो ये मैंने कहा कि आप सबके साथ शेयर करती हूँ। सामान की शिफ्टिंग हुई थी ना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इसमें धूल और गंदगी हो गई है जमा, कुछ पानी था या अखबार वगैरह रखा था नीचे डाल देती हूँ, बिछा देती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर अगर अटैचिया वगैरह रखे तो ज़्यादा स्क्रैच ना पड़े, तो ये सारी पूरी अभी की अभी क्लीनिंग होगी। राम राम। 9 बजे हैं सुबह के, मैं थेरेपी करवा के आज जल्दी आ गई थी, 8 बजे आ गई थी तो वापस जा रही हूँ। इस वक्त में इतनी सारी धूप आप देख रहे हैं कि मेरी आँख भी नहीं खुल रही है, और सन्नाटा आप देखिए, किसी सोसाइटी के अंदर से मैं गुजर रही हूँ, ये थोड़ा छोटा रास्ता पड़ता है तो मैंने कहा इधर से ही निकल जाती हूँ। तो आप देख रहे हैं कि 9 बजे सारी जगह किस तरह से सन्नाटा फैला हुआ है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, लेकिन काम धाम सारा कुछ इसमें चल रहा है हमारा और चलता ही रहेगा। अब दोस्तों ये एक एक दिन बीतता चला जाता है, या फिर नेक्स्ट डे हो गया था, तो मैं जब आई वहाँ से एक्सरसाइज वगैरह करके
तो बच्चों के साथ यहाँ पे खेल रही थी। अब आज के वीडियो का मैं यहीं पे समापन करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं थोड़ी देर अनवी के साथ बैठ के खेलूँगी और इसके साथ पढ़ाई लिखाई करूँगी। चोटी कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर। मेरी अनवी कितनी खूबसूरत लग रही है ये भी बताइएगा। ये बहुत खुश होती है और पूछ रही है मैं कैसी लग रही हूँ। तो बस अपनी सेहत का ख्याल रखिए, कल आपसे होती है मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। बहुत सुंदर लग रहे हो, बनाना से भी पूछो कैसे लग रहे हो। और बिल्कुल परफेक्ट चोटी बनाई है मैंने। चलो आ जाओ, जाओ चलो, कोई नीचे नहीं है। सुंदर लग रहा है, सुंदर लग रहा है। ओके ओके, चलो चलो खाना खाने, चलो 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 चलो, चलो।